दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाला हूँ कैसे अपने मोबाइल से अपने पीसी या लैपटॉप में कैसे अपने स्क्रीन कास्ट कर सकते हो। अपना जो भी मोबाइल का स्क्रीन है यहाँ पर शेयरिंग हो जाएगा, मेयरिंग हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों आपको साउंड भी चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर भी आपको डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ दोस्तों आपको अपने पीसी या लैपटॉप में दो तीन आपको सेटिंग करना है, इसके साथ अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर दो तीन आपको टच करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्क्रीन मेयरिंग हो जाएगा, जो भी स्क्रीन है यहाँ पर कास्ट हो जाएगा अपने पीसी या लैपटॉप में। और दोस्तों यहाँ पर आज मैं कनेक्ट वाला जो ऑप्शन है अपने पीसी लैपटॉप में, जो उसी कनेक्ट वाला ऑप्शन है जो कि हम लोग स्क्रीन मिररिंग करने वाला हो, स्क्रीन को कास्ट करने वाला हो। बहुत सारे फ्रेंड लोगों को ये भी प्रॉब्लम आता है कि अपने पीसी लैपटॉप में जो कनेक्ट वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सेटिंग हुआ नहीं रहता है। कैसे सेटिंग करते हैं वो भी आज की इस वीडियो में एकदम लास्ट में बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन को अपने पीसी में कैसे अपने कास्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आ जाता हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन पे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको सर्च बार में आपको टाइप करना है कनेक्ट। सिंपली दोस्तों आपको कनेक्ट आपको टाइप कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट टाइप करते ही यहाँ पर आ जाएगा कनेक्ट ऐप। तो गाइस यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते ही जो छोटा सा टूल्स यहाँ पर ओपन हो जाता है। अभी दोस्तों हम लोग का यहाँ पर काम खत्म हो जाता है। अभी दोस्तों सबसे पहले अपना एंड्रॉइड मोबाइल पर आपको आ जाना है। एंड्रॉइड मोबाइल पर दोस्तों आपको एक स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सिंपली दोस्तों आप देखेंगे अपने एंड्रॉइड मोबाइल पे किसी भी एक ऑप्शन पर आप देखेंगे आपको मिल ही जाएगा। तो गाइस यहाँ पर अगर आपको नहीं मिलता है तो गाइस वहाँ पर ऊपर में एक एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप टच करेंगे तब भी आपको यहाँ पर एक कास्ट का ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा मेरे मोबाइल पर, ये रहा कास्ट का ऑप्शन जो कि ऑलरेडी है। सिंपली दोस्तों मैं पकड़ के यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर डन पर सिलेक्ट करूँगा। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि स्क्रीन कास्ट का जो ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग को कास्ट में क्लिक कर देना है। और कास्ट में जैसे हम लोग क्लिक करूँगा तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो जो कि वाईफाई एंड लोकेशन यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पर मैं टर्न ऑन पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज टर्न ऑन पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिक यहाँ पर जो कि सर्चिंग हो रहा है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि डेस्कटॉप यहाँ पर ऑलरेडी मैंने पीसी में जो भी यहाँ पर डेस्कटॉप जो भी यहाँ पर नंबर लगा हुआ है वही जो नंबर यहाँ पर भी आ चुका है। तो गाइज यहाँ पर हम लोग को टच कर देना है। और गाइज यहाँ पर जैसे हम लोग टच करूंगा तो गाइज ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो कि अपना जो भी स्क्रीन है यहाँ पर मिररिंग हो जाएगा। और गाइस अपना जो भी वाईफाई है अपना पीसी या लैपटॉप में जो भी वाईफाई है सेम वाईफाई से अपना मोबाइल पे भी लेना पड़ेगा तभी जाके ये वर्क करेगा। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर हम लोग को डेस्कटॉप पे हम लोग को यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे हम लोग क्लिक करूंगा तो गाइस आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो भी अपना जो भी स्क्रीन है यहाँ पर कास्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा हूँ सब कुछ जो कि यहाँ पर हो रहा है। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। और अभी दोस्तों मान लीजिए आपको कोई भी आपको गेम प्ले करना है, कोई भी गेम आपको खेलना है तो गाइस सिंपली दोस्तों आपको मान लीजिए मैं यहाँ पर फ्री फायर मैक्स गेम को ओपन कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। और इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, टोटली ये फुल स्क्रीन ऑलरेडी है, इसको मैं फिर से मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर टोटली फुल स्क्रीन भी हो चुका है। ये काफ़ी अच्छा खासा जो कि ऑप्शन यहाँ पर मैं तो मानता हूँ ये बहुत ही अच्छा खासा जो कि ऑप्शन है। और यहाँ पर मैं साउंड बढ़ा दिया हूँ, अभी मैं गेम प्ले को स्टार्ट करूंगा। तो अभी हम बात करेंगे जिन फ्रेंड लोगों को यहाँ पर अपने पीसी लैपटॉप में कनेक्ट वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर अगर आप सेटिंग नहीं है तो कैसे आप सेटिंग कर सकते हो। ये दोस्तों आपको फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको और नहीं करना पड़ेगा। तो कैसे अपने फर्स्ट टाइम सेटिंग कर सकते हो, तो चलिए दोस्तों आते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर विंडोज वाला बटन में आपको क्लिक कर देना है। और गाइस यहाँ पर आपको सेटिंग वाला ऑप्शन में आपको आ जाना है। सबसे पहले सेटिंग वाला ऑप्शन में जैसे अपने आते हो यहाँ पर आपको मिल जाता है ऐप्स का ऑप्शन। सिंपली दोस्तों ऐप्स का ऑप्शन में आपको आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों फिर से आपको मिल जाएगा ऐप्स एंड फ्यूचर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा ऑप्शनल फ्यूचर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों इसके बाद आपको ऊपर में मिल जाएगा ऐड फ्यूचर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको ढूंढ लेना है वायरलेस डिस्प्ले। सिर्फ दोस्तों आपको नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करके एकदम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये रहा वायरलेस डिस्प्ले, यहाँ पर आपको टिक मार्क लगाना है और यहाँ पर आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। बस दोस्तों ये छोटा सा जो टूल्स है यहाँ पर सिंपली डाउनलोड हो जाता है और यहाँ पर ऐड हो जाता है। सेटअप काफी सिंपल है दोस्तों। ओके दोस्तों यहाँ पर सेटअप हो चुका है, नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है जब कि पहले यहाँ पर नहीं था तो अभी आ चुका है। अभी दोस्तों इसी पेज को हम लोग कट कर देता हूँ। और दोस्तों मैंने देखा कि एक चांस में यहाँ पर स्क्रीन कास्ट नहीं होता है, हो सकता है जैसे अपने अपने पीसी या लैपटॉप में जो भी कनेक्ट वाला ऑप्शन आपने इनेबल किया हो, अपने सेटिंग किया हो, तो उसके बाद हो सकता है कि आपको यहाँ पर पीसी को रीस्टार्ट करना पड़ेगा या तो आपको पीसी को एक बार ऑफ करके चालू करना पड़ेगा, तब भी आप देखेंगे बहुत ही आसान से हो जाता है। फिर भी अगर नहीं होता है तो दोस्तों आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आई डी स्टार्ट ग्रो, चाहे तो आप भी मुझे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो। लेकिन फिर भी दोस्तों हो जाता है। लेकिन दोस्तों अपने जो वाईफाई है मतलब सेम वाईफाई होना चाहिए, अपने जो भी इंटरनेट ले रहे हो अपने पीसी लैपटॉप से वही इंटरनेट अपने मोबाइल पे भी होना चाहिए। तो ये काफी आराम से हो जाता है, मैंने लाइव प्रूफ मैंने आपको दिखाया हूँ, तो ये होता है दोस्तों। तो गाइस उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।